बीजेपी नेताओं की रंगभेदी मानसिकता आई सामने। काला रंग देखकर तमिल लेखक को बताया झुग्गीवासी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। पिछले डेढ़ दशक से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस समय झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी इस समय झुग्गी सम्मान यात्रा का आयोजन कर रही है। इस झुग्गी सम्मान यात्रा का जोर शोर से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसी प्रचार प्रसार के दौरान एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। इसमें कुछ लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें पार्टी ने प्रतीकात्मक रूप से झुग्गीवासी बताया, लेकिन पोस्टर बनाने वाले को ये नहीं पता होगा कि उन्होंने गलती से भारत के एक जाने माने लेखक को भी इसमें शामिल कर लिया। उन्होंने तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की तस्वीर इस पोस्टर पर छाप दी है। पेरुमल मुरुगन की फोटो को महिलाओं और बच्चों की फोटो के साथ लगाया गया है। इसी पोस्टर में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगाई गई है। पेरुमल नीले रंग की शर्ट पहने बाईं तरफ एकदम बीच में है। आप फोटो देखिए। बीजेपी के इस पोस्टर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक हैं। कईयों ने कहा कि इस पोस्टर में पेरुमल मुरुगन की तस्वीर डालने का ब्लंडर तो बीजेपी ने किया ही है, साथ ही अपने पूर्वाग्रह का भी परिचय दिया है। उनका कहना है कि पोस्टर के जरिए बीजेपी ने अनजाने में ये बताने की कोशिश की है कि झुग्गी वासियों की त्वचा का रंग वैसा ही होता है जैसा फोटो में दिखाया गया है। ऐसे में पोस्टर बनाने का आदेश देने वाले लोगों ने इसी पूर्वाग्रह के चलते पेरुमल मुरुगन की फोटो भी छपवा दी। पोस्टर को लेकर लोगों ने बीजेपी की आलोचना की है। मल्लू माफिया नाम के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ये बैनर नस्ल भेदी प्रतीत हो रहा है। कल तमिका नाम की यूजर ने कहा कि ये पोस्टर कई स्तर पर गलत है। बालाजी नाम के यूजर ने ट्वीट किया, इस पोस्टर को देखकर भले ही पेरुमल मुरुगन को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये उस पूर्वाग्रह के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें किसी के रंग रूप के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति तय की जाती है। वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया कि एक तरफ सब याद रखा जाएगा, दूसरी तरफ सब फोटोशॉप किया जाएगा, शर्म की भी सीमा होती है। जानकारी के लिए बताते चलें कि यह मामला एक और वजह से आश्चर्यजनक है। जिस तमिल लेखक की तस्वीर का इस्तेमाल भाजपा ने अपने पोस्टर में किया, वही तमिल लेखक कुछ साल पहले भाजपा आरएसएस के आंखों का कांटा बने हुए थे। उस वक्त भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता पेरुमल मुरुगन के उपन्यास माधुरु बागान की कॉपियां जला रहे थे। उनका आरोप था कि ये किताब ईश्वर विरोधी और अश्लील है। मामला कोर्ट तक आ गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पेरुमल मुरुगन ने अपने मरने का ऐलान कर दिया, तब इस मामले को देश ही नहीं विदेशी मीडिया ने भी प्रमुखता से कवर किया था। पेरुमल मुरुगन की इतनी लोकप्रियता और चर्चा के बाद आखिर भाजपा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जिस पेरुमल मुरुगन से भाजपा आरएसएस ने लगभग आपसी रंजिश पाल ली थी, उसे अचानक कैसे भूल गए? और ऐसा भी क्या भूले कि तस्वीर तक नहीं पहचान पाए? ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि भाजपा ने मुरुगन की तस्वीर का इस्तेमाल जानबूझकर अपनी मानसिकता के अनुरूप उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया हो? आप क्या सोचते हैं इन तमाम सवालों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुँचे।